इंडिया में कार चलाना या कार रेंट करना बहुत बड़ा इश्यू होता है। ऐसे ही सिचुएशन में फंस के भावेश अग्रवाल ने कुछ करने का सोचा। भावेश के मन में ओला कैब स्टार्ट करने का आइडिया तब आया जब उन्होंने बहुत डरावना एक्सपीरियंस फेस किया अपने एक ट्रिप में। 2010 में स्टार्ट होने के बाद ओला कैब इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन गया। ओला, उबर और मेरू कैब्स को इस रेस में हराकर लोगों की फर्स्ट चॉइस बना। सिर्फ 4 साल के अंदर 2014 में ओला ने लगभग 100 सिटीज में नेटवर्क बनाया, 2 लाख से भी ज़्यादा कार्स के साथ। देखते ही देखते ओला इंडिया की सबसे सस्ती एसी कार सर्विस बन गया, 20 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर के साथ। भावेश एक बार बेंगलोर से बंदीपुर ट्रैवल कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक कार रेंट किया, जो कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा भावेश का, क्योंकि ड्राइवर ने कार बीच रास्ते में रोककर भावेश से एक्स्ट्रा पैसे डिमांड किए। भावेश के मना करने पे ड्राइवर ने उन्हें वापस बेंगलोर छोड़ दिया। भावेश ने रियलाइज़ किया कि ऐसे प्रॉब्लम कितने लोगों को होती होगी, इसलिए उन्होंने ओला कैब स्टार्ट करने का सोचा। और 2010 में भावेश ने अपने एक फ्रेंड अंकित भाटी के साथ ओला कैब सर्विस शुरू किया। उन्होंने कार्स को खरीदने या रेंट करने के बजाय पार्टनरशिप शुरू किया कई सारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, जिसमें लोग ऐप के जरिए कैब्स बुक कर सकें। हर नए स्टार्टअप के तरह ओला को चलाना काफ़ी मुश्किल काम था। कभी कभी अंकित लगातार 2 दिन तक कोडिंग करते और भावेश खुद ही कैब राइड करके ट्रिप कंप्लीट करते। उस टाइम पे इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, और जिनके पास था भी वो 2G यूज करते, जिससे उन्हें कनेक्शन इश्यू फेस करनी पड़ती। लेकिन इन सब इशू के बावजूद ओला की सर्विस को लोग पसंद करने लगे। ओला ने बहुत ही अच्छी जर्नी तय की, कुछ नहीं से लेकर एक ऐसी कंपनी बनी जो हजारों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे, और ये कई लोगों के लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। अब बात करते हैं ओला इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। इंडिया में लोगों को प्राइस निगोशिएट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। टैक्सी ड्राइवर्स लोगों से मनमानी प्राइस लेते, ओला कैब्स के वजह से लोगों को एग्जैक्ट प्राइस पता चलता और उन्हें इनके प्राइस से भी दिक्कत नहीं होती। लोगों का टाइम बहुत बचता और वो जल्दी पहुंच पाते। इन्हीं सब रीजंस के वजह से ओला इतना सक्सेसफुल हुआ इंडिया में।